इस ब्रूड मदर गाइस, भाई ब्रूड मदर के केव में ड्रैगन घुस चुका है भाई। अभी ब्रूड मदर की पीटी बनेगी कि नहीं बनेगी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे लाशें पीछे पड़ी हुई है पूरी चारों तरफ, आप देख सकते हो। ये हमला करते थे ब्रूड मदर के ऊपर, ये लो भाई। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और गाइस हम लेके आ चुके हैं आपके लिए प्ले एज डायनो की एक और नई वीडियो। और गाइस प्ले एज डायनो के इस एपिसोड में गाइस हम बनने वाले सबसे खतरनाक वाला डायनो। यार डायनो नहीं बोल सकते, बॉस बोल सकते हो एक तरह से। हम बनने वाले गाइस ड्रैगन, जो द आइलैंड का ही है ना, यहाँ द आइलैंड और रैग्नारोक, सारे द आइलैंड नहीं शायद रैग्नारोक मैप में, यस रैग्नारोक मैप का जो बॉस है ड्रैगन भाई, आज वो ड्रैगन हम बनने वाले गाइस, खतरनाक वाला। और देखने वाले कि भाई उसकी पावर्स क्या है, वो क्या कर सकता है। और मैं सोच रहा हूँ कि ड्रैगन वर्सेस एक बार ब्रूड मदर भी करके मैं देख लूँ, उसके में अगर हमारा ड्रैगन पहुँच पाया तो बस ऐसा ना हो कि वो मैंटिकोर की तरह, समझ रहे हो ना। किसी ने अगर मेरी मैंटिकोर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के गाइज चलिए आज का प्लेयर्स डायनो का एपिसोड करते शुरू। लेकिन उससे पहले गाइज, जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, नीचे भाई लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको भाई दबा दीजिए। एंड भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए यार। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विद एनी के चैनल की, जो हमारे साथ प्लेयर्स डायनो की मल्टीप्लेयर सीरीज और बहुत सारे आर्क के मॉडेड जो मैप से मॉड से उनकी वीडियो डालती रहती है। तो उनका चैनल जाके चेकआउट नहीं करने का, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलेगा इस बिना किसी देरी के, यहाँ पे आज हम बनने वाले ड्रैगन। ये बॉय ड्रैगन, और ड्रैगन का कलर है, अरे भाई ड्रैगन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अच्छी बात है अच्छी बात है। वैरायटी मिला फिर भाई, अबे भाई ओ ओके 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 काफी अच्छे कलर से भाई, क्या भाई खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई ये ड्रैगन। भाई साहब इसका रैंडम ही कलर रख देता हूँ ना, ये आंडू पांडू बनाने से अच्छा ये रैंडम वाला जो कलर होता है वही रख देता हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम नाम देंगे इसको, ये ग्लो येल्लो एंड ए के लेट्स गो। ड्रैगन हैज बीन टेम्ड, ओके टेम्ड कर लिया हमने इसको। एक मिनट काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसके चक्कर में मेरी आवाज़ आना आपको बंद हो जाए, ठीक है। अरे भाई कभी कभी लगता है आपको नहीं जो भगवान है, आई हाय ओह ड्रैगन देखे हमारा, बहुत ये हवा में से ग्लाइड करते हुए रह सकता है, देखो वो इसकी लेवल अप भी हो सकती है, मैंटिकोर की तो लेवल अप भी नहीं होती थी। इसका स्टैमिना बढ़ा देता हूँ क्योंकि स्टैमिना बहुत टट्टी है, देख रहे हो किसी भाई हवा में खड़ा है ग्लाइड करते हुए। ए मुंडी देखो इधर उधर, लेफ्ट राइट भाई साहब, ये नीचे बैठ कर पहले लुक देखेंगे इसका। या भाई कैसा दिख रहा है, दिखने दो नाम को, रुक जा उसके बाद इसका डैमेज देखेंगे। ओ ये हमारा प्लेयर डायनो का रेक्स अभी तक ई पे है, बैठ जा। अच्छा पानी है, पानी में बैठ नहीं सकता, अच्छा जंगल में बैठना क्लियर कर पूरा। भाई कुछ ज़्यादा आवाज कर रहा है क्या, अच्छा स्टैमिना नहीं है भाई, क्यों इतना स्टैमिना कैसे कम हो रहा है तेरा भाई, रुक जाओ इसका स्टैमिना पूरा डालने दो। ये लुक देखो तब तक भाई, ओ भाई साहब क्या लग रहा है भाई, इसके दांत दिख रहे हो, ऐ तेरे को लगी क्या, 400 का डैमेज है, ओके इसका डैमेज भी बढ़ाना पड़ेगा आई थिंक मेरे को, 400 का ही डैमेज दे रहा है, ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा, ओके नाइस। इसको टॉर्पोर तो नहीं चढ़ेगा एंड ये हार्वेस्ट नहीं कर सकता किसी को, ओके सारे बॉक्सेस की तरह ये हार्वेस्ट नहीं किसी को भी कर सकता। एंड इसका स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं थोड़ा सा इसका डैमेज भी बढ़ा दूंगा। मूवमेंट स्पीड की मेरे को नहीं लगता कि ड्रैगन की मूवमेंट स्पीड बढ़ाने की मेरे को फिलहाल ज़रूरत है, ओके 300 डैमेज होगी, ओके। और वो आग छोड़ता है ड्रैगन, ये देखो, अरे भाई 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 जरा 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 मुखड़ा दिखाइए अपना, आग छोड़िया अभी, ओ भाई नाइस। और कौन सा अटैक कर सकता है, शीशे भी आग छोड़ता है क्या, अच्छा राइट क्लिक एंड सी दोनों से आग छोड़ता है एक्चुअली में, ओके नाइस। आग भाई चलते हुए कितने फास्ट जा रहे हैं, आग छोड़ने वाला डैमेज कितना है, बर्निंग अटैक दे रहा है क्या, हाँ बर्निंग अटैक दे रहा है भाई, ब्रॉन्टो के लग गए, ये ले मर जा। और इसमें ज़्यादा स्टैमिना भी नहीं खत्म हो रहा अपना,
मर तेरे भाई की आख्या मारू। आजा उड़ जा अभी मजा आएगा। अभी भाई उड़ उड़ के बर्फ वाले भाई में जाऊंगा। सबसे पहले बर्फ में जाके भाई पेटी बनाऊंगा मैं डायनोस की। रुक जाओ, सबसे पहले बर्फ में जाके भाई दूसरे डायनोस की पेटी बनाऊंगा, जैसे कि गोलेम बिलेम। उसके बाद एंड में आएंगे अपन अपने ब्रूड मदर वा के पास। भाई क्या लग रहा है यार, ये थोड़ा सा ब्रोंटोस की तबाही, यहाँ पे तबाही मचाई जाए थोड़ी सी। स्पाइनो बिनोज है। अच्छा पानी के ऊपर जब मैं आता हूँ तो वैसे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि पानी को टच कर लिया इसने। ऐसे ओ भाई पेटी हवा में पेटी तो बनी नहीं फिलहाल। डैमेज उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना मैंने सोचा था। बॉस होने के बाद इसको डैमेज जो है वो, भाई आग लगी हुई है वहाँ पे दोनों को, फिर भी लड़ रहे हैं। अबे झगड़ा झगड़ी मत करो, तेज आड़ साफ करो, चलो आ जाओ भाई। स्टैमिना खत्म होने के बाद भी आग छोड़ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, पेटी भाई स्पाइनो बिनोज की तो पेटी बन गई। ओके ओके स्टैमिना रे, स्टैमिना रिकवर कर ले। ओके नाइस, डैमेज बढ़ा देता हूँ, रुको इसको स्टैमिना रिकवर करने दो रुको। ओके थोड़ा सा तो कर लिया इसने। आ जाओ। ओ मैमथ का एक भाई पूरा झुंड यहाँ पे घूम रहा है, हवा में से पेटी। भाई क्या ही था भाई डायरेक्टली पेटी बना रहा है। डायर वूल बियर वूल भाई, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है क्या। ये ले मैमथ की पेटी भाई, मैमथ की पेटी। इसका स्टैमिना काफी ज्यादा जल्दी ड्रेन हो रहा है। रुक जाओ ए भाई, बढ़ा ले भाई स्टैमिना तू। भाई तेरा मेरे को लगता नहीं शादी के बाद कुछ होने वाला है भाई, इतना कम स्टैमिना साढ़े। ओके बढ़ा दे। वो आके लेट्स गो। वो भाई इसका बर्निंग अटैक मेरे हिसाब से काफी ज्यादा देर तक टिक रहा है। वो देख रहा हूँ अभी तक जल रहे मैमथ वहाँ पे, लेकिन मैमथ जलते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन उनको बर्निंग डैमेज मेरे हिसाब से नहीं पड़ रहा फिलहाल। ये लो भाई पूरा मैमथ का झुंड की पेटी बना दी भाई इस ड्रैगन ने। क्या ही तबाही ड्रैगन है भाई ये तबाही मचा देगा। ओ अल्फा कार्नो वर्सेस ड्रैगन माय फ्रेंड। ये ले हेलो। ओके यूटी बाहुड़ी पूछ ड्रैगन को तू ये करेगा? तेरे को लगता है ड्रैगन को कुछ फर्क पड़ने वाला है तेरे एक छोटे से नल्ले से अटैक से? रुक जाओ। ये लो क्या ही तबाही भाई ये यूटी मरे नहीं, मर ही नहीं रहा। मर गया। नाइस इस अल्फा कार्नो को बेच ले। ये ले मर जा। ओ भाई अल्फा कार्नो 45 लेवल का, वो भी भाई एक मिनट के अंदर पेल जाए इस ड्रैगन ने। मजाक कर रहे हो भाई हैं? इसका 2000 तो कर लेता हूँ। हाँ ओके अभी स्टैमिना इतना काफ़ी रहेगा, मैं अभी जो पॉइंट्स आएंगे ना वो डैमेज में डाल देता हूँ। भाई क्या ही तबाही है। देखा ऐसे होता है भाई जब बॉस आता है भाई, वरना हम छोटे छोटे डायनोस बनते तो बहुत मरते ना ये। अभी इनको बताता है भाई बॉस कौन है। अभी वक्त आ चुका है ये बताने का कि किंग कौन है। ये ले भाई पेटी भाई, इसको कोई लेना देना ही नहीं भाई। सामने अल्फा है भाई, पूरा झुंड है भाई। ये लो ये देखो ऐसी मारे जा रहा है, ये ऐसी मारे जा रहा है सारे झुंड को पूरे। क्या ही बोले, ऊपर से इसका कंट्रोल काफी अच्छा है मतलब। ये लो मैमथ की पेटी भाई खत्म। उली राइनोज मैमथ भी मत कुछ भी नहीं है। ओके मैं थक चुका हूँ, रुक जाओ भाई एक्चुअली मैं, मेरे को नीचे बैठना पड़ेगा, रुको कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। ये लो नाइस रिकवर करने दो स्टैमिना। ओ भाई क्या ही लग रहा है यार। भाई साहब कौन है, कौन किसने उंगली की मेरे को? ये ले मिल गई शांति भाई इसके आके। ये ले भाई साहब हमसे उंगली, ये मैमथ कर रहा था आई थिंक। इसके फैमिली को मारा ना मैंने, मेरे से पंगा ले रहा था मैमथ के बच्चे। भाई इसके आँख निकल पहली फुर्सत में। नाइस भाई साहब, कभी कभी लगता है सर आपको नीचे भगवान है। निकलो रहा है वो भाई, तोड़ देखो कैसे रहा है। ओ भाई 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 उड़ जा। नाइस अभी सबको दिखाएगा मैं उन वाइब्रेंस के नेस्ट का पे। वाइब्रेंस ने मेरे को काफ़ी तंग किया था ना, चला मेरे किसको खा गए थे वाइब्रेंस? मेरे अर्जेंट विश के पूरे झुंड को खा गए थे। अभी वाइब्रेंस को दिखाता है कि भाई बाप कौन है। इसके पंख ऐसे हिलते हैं क्या अगर मैं स्टिल रखूँ? हाँ ये देखो कैसे हिल रहे, देख रहे हो हल्के इसके पंख हिल रहे। हाँ नाइस काफ़ी बढ़िया। चलो इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंस निकले तो कल्टी मारने में भी काम आएगा अपन को, कस करके कल्टी भी मार सकते हैं। भाई साहब तबाही है भाई। ये आपको ड्रैगन जो है ना ये कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा।
यार तबाही है। ये ड्रैगन मल्टीप्लेयर में भी ट्राई करने की सोच रहे। अबे खत्म क्या मैप? अच्छा मैप ही खत्म है। अच्छा इस तरफ जाना है। ओके ऑल राइट, माय मिस्टेक मैन, माय मिस्टेक। भाई कैसे देखते जा रहा है, देखो जैसे स्काउट कर रहा है कहाँ पे मेरा शिकार। ओ ये है बॉय, एक साथ 1 2 3 4 एक साथ गाइज 4 आइस एलिमेंटल वर्सेस हमारा ड्रैगन, ठीक है ड्रैगन बॉस वर्सेस 4 आइस एलिमेंटल। क्या लगता है गाइस क्या हो पाएगा, देखना है आपको, देखते चलिए। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कचरे को हटाया जाए, लाइक ये मैमथ भी मत घूम रहे, इनको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। बियर तेरी औकात है, ए ले आ जाओ, उठ जाओ या उठ जाओ रे चारों। अच्छा ओके मतलब भाई ये आइस एलिमेंटल के ऊपर फायर का कोई भी असर नहीं होता है। ऑल राइट ओके कौन है ये, किसके जिमेडी आ गया, डायर पोलर बियर। ओके ये लो उठ जाओ, चारों उठो नाइस। ये लो भाई आइस के ऊपर फायर का कोई भी असर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हो भाई, ये तो काफी बढ़िया है। लेकिन चारों के चारों को साथ में मिलेंगे, आ जाओ चारों साथ में आओ। आइस एलिमेंटल तुमको बताते भाई, बाप का बाप बाप होता है। रुक जाओ भले ही तुम्हारे ऊपर आइस का भाई ये लैग हो रहा है मेरा गेम भले ही, और तुम्हारे ऊपर भाई फायर का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन तुमको बताएंगे अपन कि पप्पा जी से पंगा नहीं लेते, ठीक है मैं रह पहते। ओ भाई हेल्थ काफी ज्यादा डाउन कर दिया यहाँ पे इन्होंने, ड्रैगन के एल लगने वाले एक्चुअली में। यहाँ पे दो रॉक एलिमेंटर की तो पेटी बन चुकी है, बचे हुए दो रॉक एलिमेंटर और गीगा यहाँ पे भाई बीच फाइट में कूदते हुए। गीगा ना जी में नहीं था कूदा तो बीच में क्यों कूदा भाई साले, भाई गीगा वॉट। अबे गीगा मेरा पुराना दुश्मन है भाई, माँ कसम भाई गीगा पुराना दुश्मन है, और इन्होंने भाई बहुत गंदा मारा है मेरे को। अभी मेरे को एक स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी, पीछे फॉल बैक करते जाओ। नाइस एक और रॉक एलिमेंटल को यहाँ पे मार दिया, एक और रॉक एलिमेंटल एक और लेके निकल चुका है, एंड मेरा स्टैमिना पूरा ड्रेन हो चुका है। यहाँ पे पहले मेरे को गीगा को मारना पड़ेगा, देन उसके बाद रॉक एलिमेंटल को मारना पड़ेगा। गीगा यहाँ पे कल्टी मारते हुए, गीगा को पता चल चुका है कि उसकी फट गई है, गीगा से बेसिकली फट गई है यहाँ पे, फट के हाथ में आ गई। ओके रिटर्न आ रहा है ये, रुको अभी बताता। ओके यहाँ पे गीगा ने थोड़ा सा गेम खराब कर दिया अपना गाइस, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन एक और रॉक एलिमेंटर, ये इसका जो ये अटैक है ना, ये लो भाई 1 2 3 4 5 रॉक एलिमेंटल को एक साथ फेल दिया यहाँ पे। लेकिन अपना एक दुश्मन बच चुका है जो हमेशा हमारे सारे डायनोस को मारता है। क्या भाई हम 1 HP पे गीगा को मार पाएंगे? ओके नाइस, काफी तगड़ा डैमेज देते हुए यहाँ पे गीगा, एक्चुअली में काफी तगड़ा, सिर्फ 1 HP बचा हुआ हूँ मैं अभी। ओ नाइस, खतरनाक भाई, गीगा ने फाड़ के रख दिया एक्चुअली में। वो अलग बात थी कि अपन पहले से वहाँ पे हमारे एल लग चुके थे इसलिए वैसा हुआ, लेकिन अभी अपन गीगा से फाइट लेंगे, ठीक है। मेरे को पता नहीं लेकिन गीगा इतने ओपी होते हैं क्या भाई, ड्रैगन को भी पेल दिया। हेलो, थोड़ी सी कम हेल्थ मानता हूँ मैं, लेकिन उतने हेल्थ पे भी ओ भाई सतरंगी कलर, अच्छा वो पहन नहीं सकता मैं ड्रैगन का। ओके रुको, गीगा भाई अभी होगा ड्रैगन वर्सेस गीगा, लेट्स गो, अभी होएगा ड्रैगन वर्सेस गीगा। कहाँ पे गीगा दिखाओ भाई, गीगा कहाँ पे, ड्रैगन वर्सेस गीगा तो बनता है भाई। हमको चाहिए बदला। और ये रही मेरी पेटी, एंड ये रहा वो गीगा, इसको तो मैं मार दूंगा यार अभी कोई नहीं, तब मेरी थोड़ी सी हेल्थ कम थी इसलिए वो ऐसा हुआ। अभी तो ये ले, ये तो भाई पहली फुर्सत में मरेगा, ये ले गीगा, भागता कहाँ पे, ये ले वो मेरे पास फायर अटैक नहीं था ना तभी, ये लो लुढ़क गया, मर गया, मिल गई तेरे मन को शांति। हो एक और वहाँ पे गीगा है, लेकिन उससे पहले मैमथ मेरे को थोड़े से तंग कर रहे हैं। हेलो मैमथ, ऐसे तंग नहीं क्या करते रहे, मर बच्ची मर जाओ, शाबाश नाइस। ओके वहाँ पे एक और गीगा है, कौन है भाई, अरे बक बुढ़ बक बुढ़ बक लाड़ में आ रहा के, रुक जा मैं रह बहते। गीगा हाउ आर यू गीगास, नॉक नॉक तेरा बाप आया, रुक जाओ अभी गीगास को दिखाते कि बाप बाप होता है, रुक जाओ। ये ले गीगा, पिछली बार मेरे पास फायर अटैक नहीं था तो तू अपना भाई खतरनाक वाला अटैक यूज कर रहा था मेरे ऊपर। गीगा क्या लगा तेरे को,
साले अभी अभी भी शान पट्टी कर रहा है, देख रहे हो, अभी भी शान पट्टी कर रहा है वो, मेरे फीट के नीचे, पेट के नीचे आ रहा है, उसको पता है कि मैं वहाँ पे उसका अटैक नहीं कर सकता। ये लेगीगा मर जा भाई, इसका मर तेरे भाई, इसका क्या मारूँ, ये ले गीगा काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते भाई, हेलो गीगा इतना ज़्यादा डैमेज नहीं दिया करते, लो मर गया भाई, ज़्यादा टिक नहीं पाएगा ये, लुढ़क गया गीगा, बाय बाय, दुआ में याद रखेंगे हम तुमको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ड्रैगन अपना नल्ला है भाई, ओपी है ड्रैगन भी, ठीक है, ड्रैगन भी अपना ओपी है, गीगा को आराम से फेल सकता है, बस उसके पास स्टैमिना होना चाहिए, पिछली बार अपने पास स्टैमिना नहीं था तो गीगा ने थोड़ा सा फिल्म पाल दे दिया। एक और गीगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको भी भाई स्वर्ग लोग पहुँचा देते, चलो अगर आ ही रहे हो पांडे जी आ जाओ फिर, तुमको स्वर्ग लोग थोड़ा सा पहुँचा दिया जाए, आइए आए, कहाँ पे जा रहा है, भागता है गीगा, भागता है, आ इधर, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर ही है, कोई तो पीछे से मार रहा है क्या मेरे को, नहीं, फायर अटैकर, नाइस, मेरा स्टैमिना वापस से जाते हुए यहाँ पे, गीगास का एक एक अटैक भाई 700 का पड़ रहा है भाई, मेरे इतना अटैक दे रहा है वो, अगर देखा जाए तो, ये लो खत्म भाई, गीगा बाय बाय, दुआ में याद रखेंगे तुमको, एंड ये लो, मर जा, मर गया, नाइस, 60 लेवल का गीगा था, उसको पेलम पाल दे दिया, बड़े आराम से वो भी, काफ़ी बढ़िया, और हमारे ड्रैगन की यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन भाई किंग है भाई अपन, ये ले, ये बॉय खतरनाक, ये लुक देखो कैसे, आई एम द किंग ऑफ दिस माउंटेन, देख रहे हो कैसे लुक दे रहा है, अपन इज किंग है, समझा गया, खतरनाक, नाइस, ओके, हमको एक हार्ड मिल चुका है, गिगांटोसॉरस का हार्ड यहाँ पे मिल चुका है, जो लेके हम क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन फिलहाल मिशन जो हमारा था वाइब्रेंस की पेटी बनाना, वो अपन कंप्लीट करके आएंगे, चलो हमको बनानी है वाइब्रेंस की पेटी, इस इतने एलपे ही में बनाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं मर गया ना, जो कि मरने वाला हूँ मैं वैसे भी, अगर मैं मर गया ना यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली जाएंगे भाई अपने ब्रूड मदर वा के पास, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग होते हुए एक्चुअली में, ओके ऑल राइट, आइस वाइब्रेंस को काफ़ी ज़्यादा मैंने डैमेज, बर्निंग अटैक तो दे दिया है, ठीक है, बर्निंग अटैक तो दे दिया है यहाँ पे आइस वाइब्रन को, पता नहीं, अच्छा ये इसके पैर एकदम नीचे चलते रहते हैं ना, तो इसको कोई भी कभी भी अटैक दे सकता है भाई, आइस वाइब्रन की पूरी टोली आ गई भाई, आइस वाइब्रन की पूरी टोली आ गई, 15-20 आइस वाइब्रन एक साथ आ गए क्या, ये क्या बात है भाई, कहाँ पे गए थे, मेले विले में चले गए थे क्या भाई, वो ये मेरे को ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहे बेसिकली, अगर देखा जाए तो 30-30 डैमेज दे रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है मेरे लिए, ओके, पोलर बियर को मैं मार रहा हूँ यहाँ पे, सही है, लेकिन आइस वाइब्रन को मार रहा है मेरे को एक बार, ओ यस, दो आइस वाइब्रन को एक साथ पेलम पाल दे दिया है गाइस अपन ने यहाँ पे, ले भाई ये लो, मेरा खत्म, अभी ये मेरा गैंग बैंग करेंगे, एक और आइस वाइब्रन गया, दो तीन चार और आइस वाइब्रन गए भाई साहब, पेटी क्या मैं मरने से पहले पूरे आइस वाइब्रन को यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ, ओ यार नाइस, एक और आइस वाइब्रन को मारा, एक्चुअली में बात ये थी मेरे को मरना था, क्योंकि मैं भाई उतनी दूर ट्रैवल करके नहीं जा सकता था जहाँ पे हमारी ब्रूड मदर थी, ठीक है, लेकिन ये सही है, इतने लो हेल्थ पे अगर मेरी फुल हेल्थ होती ना, तो वहाँ पे वो सारे आइस वाइब्रन को बड़े आराम से ड्रैगन मार सकता था, तो मैंटिकोर से बोल सकते हो 100 गुना अच्छा अपना ये क्या है इसका नाम, ड्रैगन है, यस, चलो मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि ये क्या उस गुफा में पहुँच पाएगा ब्रूड मदर वाली, और क्या हम इतने कम डैमेज पे ब्रूड मदर को मार पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर पहुंच भी गया तो इतने कम डैमेज पे क्या हम इसको मार पाएंगे, ओके ये रही ब्रूड मदर की व्याप है, आजा मेरे भाई, कहाँ पे, हेलो ब्रूड मदर, नॉक थारो बाप आयो, रुको ऊपर उड़ जा, पहली बात भाई ये नीचे बैठना चाहिए उसके के पास, ओके ये रही क्यों, बैठ जा, उतर जा, ओके एक मिनट, जहाँ से एंट्री है ना वहाँ से ढूंढ लेता हूँ मेरे को, वो रे ब्रूड मदर नीचे, क्या मैं नीचे बैठ पाऊँगा, एक काम कर, बैठ ना मेरे पास, बैठ, नाइस ब्रूड मदर गाइस, भाई ब्रूड मदर के क्यों में ड्रैगन घुस चुका है भाई, अभी ब्रूड मदर की पेटी बनेगी कि नहीं बनेगी,
देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे लाशें पीछे पड़ी हुई है पूरी चारों तरफ, आप देख सकते हो। ये हमला करते थे ब्रूड मदर के ऊपर, ये लो भाई लाशें ही लाशें। मैं डैमेज थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि आपको नजारा देखने को मिले। यहाँ पे हो रही भाई ब्रूड मदर वर्सेस गाइस ड्रैगन की फाइट, खतरनाक वाली। भाई ब्रूड मदर पूरी कोशिश कर रही है भाई, पॉइजन फेंका जा रहा है यहाँ पे काफी खतरनाक वाला। एंड मेरे को पता नहीं ब्रूड मदर की हेल्थ कितनी डाउन है अभी तक। वो ब्रूड मदर काफी तगड़ा डैमेज यहाँ पे दे रही है, वो 2000 डैमेज यहाँ पे हमारा ड्रैगन दे रहा है, लेकिन ब्रूड मदर सिर्फ 100 का डैमेज दे रही है यहाँ पे ब्रूड मदर के। भाई एल लग चुके, ब्रूड मदर सोच में पड़ गई कि क्यों मैं आई भाई यहाँ पे, मैं क्यों यहाँ पे आई, ऐसे सोच रही ब्रूड मदर। भाई पॉइजन अटैक कर रही है ब्रूड मदर, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे अपने सामने। हमारा ड्रैगन पूरी तरह से उसको भाई पहली फुर्सत में सुमड़ी में लेते हुए 2000 का डैमेज यहाँ पे दिया जा रहा है। हमारा स्टैमिना पूरी तरह से ड्रेन। ओ भाई यहाँ पे हमने ब्रूड मदर की पेटी बना दी है भाई, ब्रूड मदर को आखिरकार हमने डिफीट कर दिया। उसके घर में घुस के बैस गया, उसके घर में घुस के मारा अपन ने, उसके घर में घुस के मारा। साला मेरे को बहुत मारती थी, मेरे सारी डायनोज खा गई थी। आखिरकार कौन है, कौन है, कौन बचा है, ये लो कौन बचा हुआ यहाँ पे अभी तक। आ जाओ भाई इस क्या आ जाओ। आखिरकार ब्रूड मदर के घर में घुस के हमने उनकी पेटी बना दी है। ये रही ब्रूड मदर की लाश। क्या रही ब्रूड मदर है, बहुत उड़ रही थी, बहुत तेज हो रही थी बे, हमको मारती थी, हमको मार रही थी। हमारे रेक्स खा गए, हमारे पोलर बियर खा गई, पता नहीं क्या क्या खा गई। और कोई है क्या एक और ब्रूड मदर? चलो इसके घर के अंदर घुस के मारेंगे। और घर के अंदर कोई है कह रहे? कोई नहीं ना, फटी गई हो। नाइस, चलो पेलम पाल बोलते गाइस। अबे ये गुफा के राजा अपन है यार, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, ये अपना घर है, ये अपना घर है। अभी अच्छा लग रहा है ना वैसे घर मेरा, कैसे लग रहा है? यस, अरे अरे पांडे जी खतरनाक। एक और ब्रूड मदर आ गई क्या? हेलो हेलो, एक और ब्रूड मदर नहीं, ये तो वही है। ओके ठीक है, नाइस, चलो काफी बढ़िया, काफी बढ़िया गाइस। आखिरकार हमने हमारा जो रिवेंज था वो यहाँ पे ले लिया है, खतरनाक वाला रिवेंज। और गाइस एक काम कर लेते फिर, ठीक है? क्या आपको ड्रैगन वर्सेस किसी की फाइट देखनी है तो नीचे कमेंट करके लिखना ड्रैगन वर्सेस डैश डैश। जैसे ड्रैगन वर्सेस अगर आप अल्फा रेक्स देखने तो ड्रैगन वर्सेस अल्फा रेक्स, जैसे कमेंट सेक्शन में लिखना। आप जो बोलोगे वो फाइट हम ड्रैगन के साथ लेने की कोशिश करेंगे पूरी। और गाइज आज का एपिसोड कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद यानी के चैनल की लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और गाइज अगर आज का एपिसोड आपको आया होगा पसंद तो इस वीडियो को दीजिएगा लाइक एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आपसे मिलते हैं प्लेयर्स डायनो का अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.